उत्तराखंड की सीरीज में आज की राइड अब तक की सबसे एडवेंचरस होने वाली थी, इस बात का थोड़ा बहुत आइडिया था हमें। खतरनाक हो गया रास्ता अब ये, पर रास्ते इस जन्नत की तरफ ले जाने वाले थे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओ एंड रिवर का पानी देखो, क्या साफ पानी है एकदम। कुछ ऐसे व्यूज के साथ मलारी में हुई हमारी सुबह। मलारी नीति से 27 किलोमीटर पहले एक छोटा सा गांव। सर्दी की धूप और सामने वाले पहाड़ों पर फ्रेश स्नोफॉल, कुछ टाइम स्पेंड करना तो बनता था यार। बहुत दिन बाद आलू के पराठे का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम लोग। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ उत्तराखंड सीरीज। हम लोग हैं अभी मलारी विलेज में, और मलारी से यहाँ से आज आगे जाएंगे नीति साइड, और नीति के अलावा एक और जगह है सुमना 16 पॉइंट, वहाँ पे। तो फिलहाल धूप निकल आई अच्छी, ठंड थोड़ी कम हो गई है, ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं आगे। तो ये जा रही है मेन रोड, और मेन रोड से नीचे उतर के आके हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। एक बड़ी सी शॉप है, उसके पीछे ही कमरे हैं जहाँ पे 5-6 बेड पड़े हुए हैं, और वो वही बेड पे जितने लोग आ जाते हैं उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत ज़्यादा क्या, कोई भी होम स्टे वगैरह मलारी में है नहीं, एंड मलारी के आगे तो इनफैक्ट कुछ भी नहीं है। तो ये मेन रोड जो रास्ता जा रहा है नीति पास के लिए। ये पूरा स्टोन शूटिंग जोन है, ये खंबे जो दिख रहे हैं गिरे हुए, ये पत्थरों से गिरे हैं। एक्चुअली 2 दिन बारिश हुई थी, बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो मिट्टी कच्ची हो जाती है, जिसकी वजह से पत्थर गिरते हैं। कल वाले रास्ते में भी काफ़ी पत्थर थे और रॉक स्लाइडिंग जोन थे, और आज तो मोस्टली ऐसे ही होने वाला है। नीति सुमना, सुमना के लिए रोड जा रही है यार अच्छी। सुमना पर पता नहीं है, सुना नहीं है कुछ भी क्या है कैसा है, देखते हैं। अगर नीति पास से आके सुमना हम लोग जा पाए आज या कल तो विल ट्राई। फिलहाल ये शुरू हो गया है नीति पास का रास्ता। कौन सी रिवर बताई थी मैंने, गणेश गंगा और धौली गंगा ना। नीति के रास्ते की शुरुआत काफी खराब हुई है। लेफ्ट साइड में व्यू देखो यार, क्या जबरदस्त फ्रेश स्नो दिख रही है पूरी वाइट ऊपर। तो व्यूज भी लद्दाख स्पीति जैसे हो रहे हैं, और टेरेन भी फिलहाल लद्दाख और स्पीति जैसी हो रही है। लद्दाख में तो मतलब अब काफी जगह पर रोड बनी हुई है। यहाँ पर भी यहाँ आने तक के रास्ते में ऑलमोस्ट काफ़ी जगह पर रोड बनी हुई थी, पर फिलहाल शायद ये नीति के रास्ते पर काम चल रहा है तो इसलिए थोड़ी बहुत रोड यहाँ पे ख़राब है। पर एक्चुअली एकदम लद्दाख स्पीति वाली फील दे रहा है, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और मस्त बर्फ़ पड़ी हुई है। रास्ते खराब और व्यूज शानदार। ओ नीचे देखो, वो ब्लू पानी दिख रहा है धौली गंगा का। पर जहां पर भी संगम होता है वहां पे एक चीज नोटिस की है, हर जगह एक रिवर एकदम साफ आ रही होती है और एक मतलब मिट्टी वाला पानी होता है। अब ये पहाड़ों पे हल्की हल्की कहीं कहीं पर बर्फ है, इतनी सही लग रही है वो। बाकी पूरे माउंटेन्स एकदम रॉक्स है, मतलब इस पे इन पहाड़ों पे घास नहीं होती है। ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, एकदम स्ट्रेट से पहाड़ है,
तो इसलिए ये ब्राउन से नहीं दिख रहे हैं, ब्राउन दिखते हैं जिन पहाड़ों पे घास वास होती है, तो वो घास समर्स में ब्राउन हो जाती है एंड बारिश के बाद ग्रीन। तो इस पर ग्रीनरी दिख रही है थोड़ी बहुत, तो पेड़ों की दिख रही है, बाकी जो पहाड़ है वो एकदम साफ दिख रहे हैं। जेसीबी आएगी? कहाँ है जेसीबी? अच्छा यही खड़ी थी ना, हाँ ठीक है। रास्ता बंद है यार, मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि नीति का रास्ता इतना जबरदस्त होने वाला है। एकदम एक्चुअली लद्दाख स्पीति के टेरेन्स की याद आ रही है। एक चीज जो है वो मेजर डिफरेंस है, यहाँ पे ना काफी सारी ग्रीनरी भी दिख रही है साथ में, लद्दाख स्पीति वगैरह में पेड़ और ग्रीनरी नहीं दिखती है। रास्ता खुल गया है 15-20 मिनट के बाद एंड हम निकल लिए, हम फिर से आ गए। तो नीति पास एक्चुअली मलारी से 25-27 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओ यार थोड़ी देर बाद ना ऐसा रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं, हर बार हर व्यू को देख के ऐसा लगता है, ओ भाई साहब क्या जबरदस्त लग रहा है। तो हर दो मिनट पे हम यही कर रहे होते हैं। रास्ता तो आज ऑलमोस्ट पूरा खराब ही चला। फ्यूल टैंकर कहाँ से आ रहा है यार? छोटा मिनी फ्यूल टैंकर। ऑफ रोड हेयरपिन बेंड सब कुछ है इस रास्ते में। 10 किलोमीटर के बाद अब थोड़ी सी ये रोड आई है, बंपा बंपा विलेज। यहाँ भी टावर आवर लगा हुआ है यार जियो का, वाह। ओ देखो पीछे, जब हम लोग निकले थे तो धूप हो रही थी, मौसम बहुत साफ था, अभी क्लाउडी हो गया एकदम, हल्की हल्की सी बारिश की बूंदें भी पड़ रही हैं। अरे रुके क्यों है ये? ये देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है यहाँ पे। ओ यार क्या जबरदस्त दिख रहे हैं लैंडस्केप्स। ओ पूरा जा रहा है रास्ता, ओ जैसे जैसे रीति के पास पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे रास्ता और एडवेंचरस होता जा रहा है ना। तो एक्चुअली ऐसे व्यूज मैंने एक्सपेक्ट किए थे ना, ऐसा रास्ता एडवेंचर एक्सपेक्ट किया था। ओ भाई साहब फक, हाँ हाँ स्नोफॉल हो रही है, हाँ स्नोफॉल है, स्नोफॉल है,
स्नोफॉल है देखो ना भाई। चलो चलो चलो, बहुत खराब मौसम हो रहा है तगड़ा। लुक एट दिस, क्या जबरदस्त दिख रहा है यार ये माउंटेन्स। ओ एंड रिवर का पानी देखो, क्या साफ पानी है एकदम, ब्लू वाटर। खतरनाक लैंडस्केप्स हो रहे हैं एकदम। शेट, चले स्नोफॉल देख ली तुमने? स्नोफॉल होने लग गई है ये। चलो चलो चलो, दूर है अभी वो, चलो। क्या दिख रहा है, जबरदस्त भाई, खतरनाक हो गया रास्ता अब ये। जय हो भगवान। यार क्या जन्नत दिख रही है ये, क्या जन्नत दिख रही है ये। पूरी नीति वैली ओपन हो गई, 360 व्यू है यहां से। ब्रिजेस पर बाइक खड़ी है हमारी। पानी का फ्लो बहुत ही ज्यादा तेज है। मोस्टली हम नीति विलेज पहुंचने ही वाले हैं, सामने कुछ घर से दिख रहे हैं, शायद वही है नीति। नीति विलेज नीचे जा रहा रास्ता, चलो नीचे यार, क्या करना है। पीछे अब तक पहाड़ों पर बर्फ दिख रही थी और अब थोड़ी थोड़ी सी स्नोफॉल होने लग गई है। फर्स्ट टाइम बाइक चलाते में और इंडिया के एक कोने में दिख रहा है तू स्नोफॉल। आगे यहाँ से चाइना बॉर्डर लग जाता है। तो पहुंच गए हम लोग नीति विलेज एंड क्या जबरदस्त व्यूज हो रहे हैं यार। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे टेरेन्स ऐसे व्यूज मिलने वाले हैं। पीछे लैंडस्केप्स देखो, स्नोफॉल भी हो रही है, हल्की हल्की सी स्नोफॉल हो रही है, धूप निकल आई है, पर सामने नीति विलेज पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब यहाँ से कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं। नीति वैली इतनी खूबसूरत होगी इसका हमें कोई आइडिया नहीं था। एक्चुअली नीति वैली इज अ रिमोट वैली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ उत्तराखंड एंड नीति विलेज इज द लास्ट विलेज बिफोर इंडो तिब्बत बॉर्डर। टेरेन्स एंड वेदर मेक्स लाइफ टफ इन दिस रिमोट विलेज एंड इसीलिए 6 मंथ्स के लिए यहाँ से सब लोग माइग्रेट कर जाते हैं। एंड जब हम पहुंचे तब भी ये विलेज पूरा खाली था। विलेज में कोई था नहीं और रास्ता जितना खूबसूरत और एडवेंचरस था उतना ही सुनसान भी। तो हम लोग थोड़ा जल्दी वापस निकलना चाहते थे पर थोड़ा एडवेंचर अभी और बाकी था। हाँ, ये बड़ा हुआ ड्रोन। वहाँ दूर पे हम खड़े थे बाइक्स के पास में, बाइक भी नहीं दिख रही है। ये नीति विलेज पूरा मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ, ये बीप कर रहा है यहाँ पे। सबसे मुश्किल रेस्क्यू शायद अब तक का एंड उतनी मुश्किल है अब यहाँ से नीचे उतरना। रास्ता नहीं है कुछ भी, पूरा पहाड़ पे चढ़ के आया हूँ मैं। जहाँ से हमने ड्रोन फ्लाई किया था और शॉर्ट एंड किया था वहाँ से करीब 200 मीटर्स आगे जाके यहाँ पे आके ड्रोन क्रैश किया था। पर आज ही मैंने डिस्कवर किया देयर इज अ फीचर कॉल्ड फाइंड माय ड्रोन इन DJI Mavic Air 2। मेरे को बाकी ड्रोन्स का नहीं पता कि क्या है पर Mavic Air 2 में फाइंड माय ड्रोन दिख रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम आई यूज्ड इट। ड्रोन भी सेकंड टाइम ही क्रैश किया है, पिछली बार जब क्रैश किया था लोगों ने देख लिया था कहाँ गिरा है, पर आज मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रही थी। पर फाइंड माय ड्रोन में देखा तो मुझे समझ में आया मैं वहाँ ढूंढ रहा था जहाँ पर हम लोगों ने शॉट खत्म किया था। पर देन आई गॉट टू नो कि ड्रोन कहीं 100-200 मीटर्स आगे दिखा रहा है एंड स्टार्ट बीपिंग एंड फ्लैशिंग करके एक उसमें ऑप्शन होता है।
पर मुझे कहीं भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। वहाँ से यह पूरा नीति गाँव चढ़ के ऊपर आके वहाँ पहाड़ पर गिरा हुआ था। ये जो ऊपर वायर्स दिख रहे हैं, इन वायर्स से ही टकरा के शायद क्रैश किया था, पर थैंकफुली सब कुछ इंटैक्ट है। ऐसे पड़ा हुआ था ड्रोन ऐसे कि मुझे आके उठा लो बस। फिलहाल ड्रोन रेस्क्यू करके हम पहुँच गए हैं नीति विलेज, वैसे भी पहुँच गए थे। तो ये मेरे पीछे दिख रहा है पूरा नीति विलेज, एंड इस टाइम पे पूरा विलेज खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, सारे घर बंद है क्योंकि यहाँ पे अभी चल रहा है विंटर्स, एंड विंटर्स में यहाँ कोई नहीं रहता है। अभी जब समर्स आएंगे, नीचे की तरफ गर्मी चालू होगी, तब यहाँ पे लोग आएंगे। कुछ मुझे एक दो होम स्टे से बने दिख रहे हैं, पर एज ऑफ नाउ नीति में रुकने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। मलारी इज द नियरेस्ट प्लेस जहाँ से हम लोगों ने आज सुबह स्टार्ट किया था। सो काफ़ी एडवेंचरस चल रही है उत्तराखंड की राइड। आज तो जो एडवेंचर हुआ है वो बहुत ही खतरनाक था। रास्ते, व्यूज़ एंड ड्रोन शॉट्स और ड्रोन क्रैश। तो होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, यहाँ से बाकी कहीं जाएंगे तो वो सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड डू लाइक इट, कमेंट्स बताना कैसा लगा है, शेयर जरूर करना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग। कीप राइडिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।